पांच साल में कुछ करते नहीं, लास्ट में वोट के चक्कर में, परसों इलेक्शन है कल रोड बना देंगे, झाड़ू लगा दी आज सारी रोड पे। सारे नेताओं को ना ऐसे मारू मार के भगाऊंगा। कौन सी नेता की बात कर रहे हो आप? नेता नेता ही होता है, नेता कोई भी हो, अच्छे अच्छे नेता अंदर बैठे अच्छा, हैं। बाहर गंदे वाले बैठे हैं? और ऐसा कुछ भी नहीं है अभी जो। बाहर तो पैसों का सिस्टम हो रखा है सारा। क्या यार ये सारा दिन, पता है तेरे को अभी मैं चोट लगती लगती बच गई मेरे, और एक्सीडेंट हो गया, आंटी के लग गई सामने। किसका एक्सीडेंट हो गया? आंटी रोड क्रॉस कर रही थी, मैं स्कूटी से जा रहा था, रोड टूटी पड़ी थी, ब्रेक मारी ना जैसी वैसी स्किट होती होती उसके पैर में घुस गई स्कूटी। ज्यादा चोट लग गई क्या? चोट छोड़, चोट किस वजह से लगी ये सबसे बड़ा मुद्दा है यार। इलेक्शन आते हैं साले, तभी इनको रोड बनानी याद आती है। उससे पहले 5 साल गांव में जा रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कौन रोड बनाएगा? ये तो सारों की उनकी आदत होती है। सारों की क्या आदत होती है यार, 5 साल में कुछ करते नहीं, लास्ट में वोट के चक्कर में एकदम रोड सही पड़ी थी। तेरे को पता है ना ये वाली रोड ठीक है, एकदम सही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 दिन पहले रोड तोड़ी और 5वें दिन रोड भी बना देंगे। परसों इलेक्शन है कल रोड बना देंगे, झाड़ू लगा दी आज सारी रोड पे, कल तार कोल कर देंगे, परसों रोड रोड वो बजरी गिर देंगे, रोड बन गई। वाह क्या सीन है आपको सारा। 5 दिन वाला काम 5 साल में नहीं करते और फिर कहते हैं हमें वोट दे दो। ऐसा कुछ कैसी सरकार है ये? इतनी रोड्स बन चुकी है, आपको पता भी है कितनी रोड्स बन चुकी है, लाखों में रोड्स बन चुकी है जो बीजेपी ने बनाई थी। क्या कमल कमल क्या है ये? वाह क्या सीन है, आपको पता भी है कितने रोड्स बना दिए, कितने हाईवे बना दिए। पहले हम दिल्ली गुड़गांव में एग्जाम देने जाती थी, मतलब इतनी सही रोड, इतनी सब कुछ सही कर दिया। और जब भी वो उधर किसी से बात भी करते ना तो सभी वाह वाह करते। रोडे बन रही है, तोड़ तोड़ के भी बन रही है, जहाँ टूटी हुई है बारिश की वजह से टूट जाती थी, सब कुछ सही हो रहा है। और आप कह रहे हो कि यहाँ पे टूटा हुआ वहाँ टूटा हुआ है, सरकार सब सही कर रही है। तो ऐसे हुआ है, बारिश में तू देखती भी है क्या? अखबार पढ़ती है, न्यूज देखती है, यूट्यूब देखती है, इंस्टाग्राम देखती है, कैसे लोग रील्स बना बना के डाल रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, मतलब 50-50 करोड़ के जो पुल बने हुए हैं वो एक बारिश के उससे सब टूट रहा है। तो जो टूट रहा है वो टूट के जुड़ भी तो रहा है। Women. हाँ तो 50 करोड़ रुपए लगा दिए, पैसा कहाँ से गया? जनता की जेब से। फिर ये टैक्स बढ़ा देते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं, रेट बढ़ा देते हैं, सारा जो तो बर्डन आ रहा है। गरीब आदमी को टैक्स देना नहीं है, अमीर आदमी के लिए सारी छूट कर रखी है। ऐसा कुछ नहीं है गरीब आदमियों के लिए, सिर्फ और सिर्फ मिडलमैन, सिर्फ और सिर्फ मिडलमैन जो है वही देश चला रहे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और उसी पर सारा देश का बोझ है। मिडलमैन के लिए और गरीबों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, इनकी जो जनता के बीच की जो लड़की है ना उनके लिए इतनी सारी नौकरियां निकाल दी, इतने सारे वो क्या बोलते हैं उसको, योजनाएं निकाल दी, इतना कुछ निकाल दिया। आप कह रहे हो मतलब जिनकी दो दो बेटी है, जिनकी पहले बेटी हो जाए उसके लिए कितनी योजना निकाल दी, उसके लिए पैसे निकाल दी, उसके लिए उनको तो घर पे मिठाई के डब्बे भी आते हैं। हाँ तो मिठाई का डब्बा बासी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, कीड़े लगे हुए मिठाई के डब्बे देखे। आप क्या है क्या जो आप बोल रहे? तो मेरी दो दो गुड़िया है। हाँ तो उसके लिए सिर्फ करना पड़ता है, सिर्फ अप्लाई करना पड़ता है। सिर्फ 5,000 रुपए देने के लिए, लेने के लिए 5,000 रुपए मिलते हैं पहली गुड़िया पर। चल चूट लेने हो तो उसके लिए इतने चक्कर कटवा देते हैं, इतने रूल्स रेगुलेशन है, इतनी इतने डॉक्यूमेंट्स है। ऐसे तो कोई भी किसी भी बच्ची को उठा के कह देगा ये तो हमारी बेटी है, थोड़ी फॉर्मेलिटीज तो होती है। 2 hours later सब सारे पैसे दे दे के नौकरियां लगे हुए हैं। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? कोई भी नौकरी पहले ऐसे हो तो होया करता था 10-10 साल पहले, अब ऐसे कुछ भी नहीं होता, सभी अपनी मेहनत से कर रहे हैं। पहले की सरकार तो फिर भी ठीक थी। अच्छा लोग
कमा रहे थे, खा रहे थे, कितना बिजनेस था मार्केट में। साला जब से सरकार आई है कोई बिजनेस ही नहीं रहा मार्केट में, क्योंकि अब दिमाग चलता है, पैसा नहीं चलता। पहले पैसे दे के नौकरियां लेते थे, पैसा है ही मार्केट में। महंगाई देख कहां से स्तर देख, महंगाई का पहले इधर था अब इधर है। आम आदमी की पोत से तो आलू प्याज भी बाहर होने लग गए, बीच में हुए थे आलू प्याज महंगे, अब देख लो क्या, 20-20 रुपए किलो। कल मैं केले लाया 90 रुपए के 12 केले आए, कोई है कुछ? तो सीजन की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे होता है और गरीब आदमी थोड़ा सा कमाएगा। 20 रुपए दर्जन केले लिए हुए, 20 रुपए दर्जन, और ये देख 90 रुपए दर्जन। अगर आम आदमी को बनाना शेक पीना पड़ गया 90 रुपए, ये 24 रुपए की थैली, 3-4 रुपए चीनी आती होगी और 1 रुपया घुमाएगा, फिर 10 रुपए अगर कोई दुकानदार भी लेगा, 150 रुपए का तो एक गिलास शेक पड़ा। तो पीना ही क्यों है मिल्क शेक, सीधा केला खाओ, दूध पियो, नचित का मंदिर हो गया शेक। वुमेन ये क्या शेक, कोई तरीका भी होता है। अब अपनी मैं देख झाड़ू, ये देख अरे सारे नेताओं को ना ऐसे मारू मार के भगाऊंगा। बढ़िया बढ़िया नेता अंदर कर दिए इस डर से कि कहीं वो जीत ना जाए, और वही नहीं उसकी सारी पार्टी अंदर कर दी। कौन सी नेता की बात कर रहे हो आप? नेता नेता ही होता है, नेता कोई भी हो, अच्छे अच्छे नेता अंदर बैठे हैं। अच्छा बाहर गंदे वाले बैठे हैं वुमेन और बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, जो बाहर तो पैसों का सिस्टम हो रखा है सारा। पागल हो गया? हाँ देख लिया उसने कितने कारनामे कर रखे हैं। अब आपको मेरी और हमारी ये सारी बातें तो बिल्कुल नहीं याद रहेगी कि हमने बातें क्या की है, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि हमें वोट जरूर देना है, जिस मर्जी पार्टी को देना है, अपनी मन पसंदीदा पार्टी को देना है। वोट के चक्कर में अपने आपसी संबंधों को खराब बिल्कुल मत करें गाइस, अपने आपसी संबंधों में प्रेम प्यार बनाए रखें, पर हाँ वोट जरूर दें। और अब मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, टिल देन आप अपना ध्यान रखें, टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड वंदे मातरम।